क्वेश्चन लिखिए क्या, डायरेक्ट समझिए इसको। ये कोई बम है, ठीक है ना, और इनिशियली ये रेस्ट पे रखा हुआ है। इनिशियली क्या है, ये रेस्ट पे रखा हुआ है, और ये 2 किलो का है। ये जो बम है वो क्या है, 2 kg का है। तो जब ये एक्सप्लोड करता है, तो इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक 1 kg का और दूसरा भी 1 kg का। तो ये वाला 1 kg है, वो आगे की तरफ जाता है 10 m/s की रफ्तार से, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वाला है, ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हमको ये सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे लगा क्यों पा रहे हैं। ये बम है तो ये किस पे है, बम का एक सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है ना। तो एक्स यूएम क्या है, रेस्ट पर है। एक्स यूएम क्या है, रेस्ट पे है। तो वी सी यूएम क्या होगा आपका, 0 होगा। तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है, कि इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। एकदम बेसिक, बिल्कुल बेसिक। इनिशियल बताओ क्या है, ये 2 kg m × v, ठीक है ना। तो m कितना, 2 × v, वेलोसिटी कितनी, 0। p फाइनल बताओ कितना मास, 1 kg वाला आगे जा रहा है, 1 kg वाले की वेलोसिटी कितनी है, 10 m/s। तो क्या मान लू मैं, 10 × p f बराबर 1 × 10 + 1 × v। तो v बराबर क्या, -10 m/s, -10 m/s। अगर ये वाला टुकड़ा 10 m/s से आगे जाएगा, तो ये वाला टुकड़ा 10 m/s की रफ्तार से पीछे आएगा, ठीक है। अगर ये आगे जा रहा है, तो अगर वेक्टर के फॉर्म में मैं मान लूं, तो इसको क्या मानूंगा, tan i कैप, क्या मानूंगा, tan i कैप, ठीक है। तो ये tan i कैप और ये मास, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -10 i कैप। तो अगर ये पॉजिटिव i डायरेक्शन में, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव i डायरेक्शन, यानी कि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो ये क्या, नेगेटिव x डायरेक्शन में। बात समझ में आई, बिल्कुल बेसिक। अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा देता, तो आपको ये बात नहीं समझ में आती कि मोमेंटम कंजर्व कैसे हो रहा है। क्या यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है, अगर आपका जो बम है वो रेस्ट पे रखा है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, रेस्ट पे है। सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है, तो ये क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को इन क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, m1v1 + m2v2 / m1 + m2। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंजर्व हो गया। m1v1 + m2v2 क्या हो गया, कंजर्व हो गया। तो p इनिशियल बराबर p फाइनल। अब याद कर लेना है कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, किसी बॉडी पर समझ लीजिए, अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे हैं, तो उस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, हमेशा ही कंजर्व होगा। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। क्या बात मेरी समझ में आई, हर बार इतनी डिटेल में नहीं जाना है, ये तो आपको समझाने के लिए मैं यहां तक लेके आया, वहां पे भी पढ़ा सकता हूँ। देखो चैप्टर में वहीं पे दिया, तो बहुत लोग पढ़ाते भी हैं वहां पे, लेकिन यहाँ पे पढ़ाने का मतलब ये है कि आप कॉन्सेप्ट से थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो गया, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम वहां से हमने निकाल लिया। क्या निकाल पाए, बहुत छोटा सा बेसिक सवाल, थोड़ा सा आगे चलें। हाँ एक लाइन और लिख लो, देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस, एंड मोमेंटम विल ओनली चेंज व्हेनेवर वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, एंड मोमेंटम विल ओनली चेंज व्हेनेवर वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट,
एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। ठीक है, बात समझ में आई। अब वो क्यों फट रहा है, बम कैसे जा रहा है, उससे आप वो डिस्कशन का मैटर आपका नहीं है, वो मैटर आप डिस्कशन नहीं है। एक्सप्लोजन हो रहा है तो ड्यू टू इंटरनल फोर्स हो रहा है, बस इतना ही समझना है। इसके ऊपर अलग से तो मैंने कोई फोर्स लगाया नहीं, एक्सप्लोड किया तो क्या हुआ, वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से ही एक्सप्लोड किया। जैसे चिंगारी वगैरह होती है, गैस वगैरह बहुत तेजी से निकलती है, तो इंटरनल फोर्सेस जो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और जो इंटरनल फोर्स है वो मोमेंटम चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व व्हेनेवर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। जब भी एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर जीरो होगा तो मोमेंटम उस बॉडी का क्या होगा, कंजर्व होगा। क्या ये बात समझ में आई, 100% समझ में आई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं फिर इसी पे। मैंने कहा ये बॉडी रेस्ट पर है, मैंने कहा इनिशियली ये बॉडी रेस्ट पर है, बम है, बम रेस्ट पर है। जब फटा तो एक टुकड़ा इधर गया तो दूसरा टुकड़ा कहां गया, तो इनिशियली बॉडी कहां पर है, रेस्ट पर है। इनिशियली जब रेस्ट पर है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, जीरो हुआ। जब एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो मोमेंटम क्या हुआ, कंजर्व हुआ। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। रेस्ट पे तो बता रहा हूं, किस पे, फाइनल मोमेंटम तो निकाला ना, इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम बराबर 2 × 0, फाइनल मोमेंटम बराबर m1v1 + m2v2। लिख देता हूं, देखो पी फाइनल क्या है, पी फाइनल बराबर m1v1 + m2v2। m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एंड v1 इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 इज द मास ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड v2 इज द वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो अब जब एक्सप्लोड कर गया तब इसका मोमेंटम क्या, अब दो हिस्से में हो गया, एक m1 और एक m2, जल्दी अब ठीक है। तो m1v1 + m2v2 दोनों शुरुआत में क्या था, दोनों जुड़े हुए थे, तो कितना था m, टोटल m तब कितना था 2 kg। यहां देखो मास कितना लिया है 2 kg, वेलोसिटी कितना लिया 0, तो m × 0 = 0। दोबारा से समझा दूं, नोट कर लो इसको, नोट करो, दोबारा से समझा देता हूं, नोट करिए। जब क्लास में बैठिए तो ये सोचिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो 100% समझ में आएगा ना, ये सोचिए। बाद में ये ना सोचिए कि नहीं समझ में आएगा, या मतलब थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो चुपचाप से बैठ गए, आप बताइए मुझे, मैं दोबारा कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है, नेक्स्ट टाइम और ट्राई करेंगे। आप कोशिश तो करिए, कभी कभी होता है कि नहीं समझ में आया तो छोड़ ही दो, अरे नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, समझ में कैसे नहीं आएगा, समझ में आएगा, दोबारा से समझाते हैं। समझाऊं, समझ में आ गया, आ गया, लेट आए हो तुम, अब लेट आओगे तो समझाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, समझा देता हूं दोबारा से, सुन लो, टाइम पे आया हो। देखिए मैंने आपसे बोला, सब लोगों ने नोट कर लिया, अब एक बात ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपसे बोला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उस पर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो या कांस्टेंट हो सकती है, रेस्ट पे है तो वेलोसिटी भी आपकी जीरो हो गई। जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया तो उसका मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, यही तो होता है मास इंटू वेलोसिटी। जब ये बम फटा नहीं था, जब एक्सप्लोड नहीं किया था, तब इसका मास कितना था, टोटल मास 2 kg, वेलोसिटी कितनी थी 0, रेस्ट पे रखा है तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, p इनिशियल बराबर मास इंटू वेलोसिटी कितना हुआ, 0 हो गया, 0 ठीक है। अच्छा फाइनल मोमेंटम क्या हुआ बेटा, फाइनल मोमेंटम, अब ये मैं बता रहा हूं क्वेश्चन में कि दो टुकड़ों में गया, तो पहला टुकड़ा किस में गया, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है 1 kg वाला, दूसरा 1 kg का किस वेलोसिटी से जाएगा, यही क्वेश्चन है। तो अब फाइनल मोमेंटम क्या, फाइनल मोमेंटम में दो टुकड़े हैं मास के, एक क्या है m1v1, दूसरा क्या है m2v2। तो देखो आओ ये क्या किया, m1v1 वेक्टर के फॉर्म में रख देते हैं, डायरेक्शन भी हमको चाहिए, अगर डायरेक्शन भी आपको चाहिए तो वेक्टर के फॉर्म में आपने रख दिया। ये क्या रखा, m1 की जगह 1, v1 की जगह 10i कैप। अच्छा 10i कैप क्यों रखा, क्योंकि ये x दिशा में जा रहा है, ठीक है,
प्लस एम टू, एम टू कितना वन, वी टू हमको निकालना है, वी टू हमको निकालना है, ये बी, वी टू का मतलब बी मान लिया हमें, तो ये वेक्टर कितना, ये बी करेंगे तो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, ठीक है, तो पी इनिशियल कितना है जीरो, जीरो बराबर टेन आई प्लस वी, तो v बराबर कितना, v बराबर माइनस टेन आई कैप, यानी कि दूसरे वाले टुकड़े की वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस टेन आई कैप व्हेनेवर अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तब हम क्या कह सकते हैं, उसका मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा, मोमेंटम क्या होगा कंजर्व होगा, कब कंजर्व होगा, जब रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तब इस पे क्या होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स उस पे जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा, तब वो मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व होगा, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, क्या बात समझ में आई, ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा, चलिए टू के जी, ये वन के जी, इनिशियली ये बम जो था वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा था, फिर जब एक्सप्लोड किया, चलिए इस क्वेश्चन करिए, देखिए अब देखिए बॉडी रेस्ट पर नहीं है, मूविंग है, बट मूविंग विद व्हाट, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो एक्सेलरेशन क्या जीरो, तो फोर्स कितना जीरो, एक्सटर्नल फोर्स इस पे क्या है जीरो है, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तब भी आपका मोमेंटम कंजर्व होता है, बिल्कुल एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम क्या हो गया आपका कंजर्व हो गया, नहीं समझ में आया, जैसे वी सी यू एम निकालते हो, वी सी यू एम क्या होता है, वी सी यू एम बराबर एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, और वी सी यू एम अगर हमारा वी स्वयं हमारा कांस्टेंट है तो हमारा ए स्वयं क्या होगा जीरो होगा, तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म क्या होगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू बराबर व्हाट, एम वन प्लस एम टू वी स्वयं, बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस मास, मास क्या है कांस्टेंट, और VOCM क्या है, ये भी क्या है कांस्टेंट, तो ये दोनों क्या हो गए कांस्टेंट, अगर ये दोनों कांस्टेंट और ये क्या है, ये है टोटल मोमेंटम, ये क्या है टोटल मोमेंटम, इसका मतलब क्या मोमेंटम बराबर मोमेंटम क्या है आपका कांस्टेंट है, यानी कि MV बराबर क्या कांस्टेंट, MV बराबर कांस्टेंट, यानी कि M1 V1 बराबर M2 V2, यानी कि P इनिशियल बराबर P फाइनल हम कह सकते हैं, अब एग्जैक्ट टर्म में मत लेना कि M1 M2 क्या है, ठीक है, बस ये समझ में आया कि P इनिशियल बराबर P फाइनल, P इनिशियल बराबर P फाइनल, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, नोट कर लो इसको, कल कराया यही तो कराया था, कल यही सारी चीजें तो कराई थी भाई, यही बताने के लिए तो रुके थे, वरना तो वहां पर ही पढ़ा देते, इसको बार बार इस पे इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना डिटेल में जाओगे ये समझने के लिए है कि बेटा मोमेंटम आपका कंजर्व हो रहा है, सवाल आएगा तड़ से आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए और आंसर निकालिए, जब भी बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है या रेस्ट पर है, एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहे हैं तो मोमेंटम क्या होगा कंजर्व होगा, अच्छा ये बात थ्योरी में मैं बोल तो रहा हूँ, जब तक आप सवाल की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है, तो सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, वरना पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे लगाएं कहाँ पे ना लगाएं, ना ऐसा होगा, तो आपको सवाल करने हैं, बाकी किसी सवाल में क्यों मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया, वहां पे ये चीज होगी, फोर्स लग रहा होगा एक्सटर्नल तो कभी भी मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगेगा, ये बात जानिए, ठीक है,
कहीं कहीं पे लग भी जाएगा, अभी बताएंगे कैसे लगेगा। चलिए इस तरह के सवाल तो आप लोगों ने इंटर में किए होंगे, नहीं किए? थोड़े बहुत किए होंगे, कुछ बच्चे अभी इंटर में ही हैं। हाँ वो फर्स्ट टाइम कर लें, कोई बात नहीं, करो इसको सवाल को। बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। ये सवाल है, बम है ये 2 kg, देखो बम है पूरा कितना 3 kg का, और ये 10 m/s की रफ्तार से मूव कर रहा है, ठीक है, और एक्सप्लोड करता है। एक्सप्लोड करता है तो एक टुकड़ा क्या होता है 10 m/s की रफ्तार से जाता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन इधर ही बनाओ, मतलब ये डायरेक्शन इधर है, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ऐसे जा रहा है 10 m/s की रफ्तार से, तो ये वाला टुकड़ा किस रफ्तार से जाएगा ये हमको निकालना है ना, इसकी वेलोसिटी चाहिए। बताइए कितना है, क्या करेंगे? इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, बताओ आंसर कितना? 10 माइनस 10 की 10, हाँ बस 10, माइनस नहीं आएगा? माइनस आएगा ना, नहीं आएगा तो जाना तो पीछे चाहिए। अच्छा माइनस आ रहा है, नहीं आ रहा है, माइनस आएगा प्लस आएगा ये आपको इक्वेशन बता देगी, अपने मन से नहीं सोचना है कि आगे गया तो ये पीछे आएगा, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। वट एवर विल कम आपको कैलकुलेशन में इक्वेशन शो कर देगी, ये ऐसे नहीं सोचना है कि ये आगे जा रहा है तो ये पीछे आएगा, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। जैसे वो किस पे, वैल्यू पे, मास पे, फ्रेगमेंट के मास पे, वेलोसिटी पे, चीजों पर डिपेंड करेगी, ठीक है। चलिए हमको ये समझ में आया कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स हमारे नहीं है तो मोमेंटम कंजर्वेशन लागू होगा, तो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। पी इनिशियल बताओ 3 × 10 कितना हो गया 30, पी फाइनल बताइए 1 × 10 प्लस 2 × V। अब पी इनिशियल बराबर पी फाइनल तो 30 बराबर क्या 10 + 2V, तो V बराबर क्या हो जाएगा 10 m/s, तो V बराबर 10 m/s। बता दो, समझ में नहीं आया दोबारा बता दूं, ठीक है, बेसिक सा सवाल है, आगे चलें, बिल्कुल बेसिक सवाल है, बताइए। अरे हमसे पूछो, उधर नहीं है। अच्छा आप लोग का एक डिस्कशन ग्रुप भी बना रहा हूं मैं, अभी कुछ दिनों में लागू कर दूंगा, वॉलेंट्री है, जिसको जुड़ना है वो जुड़े। एक व्हाट्सएप का डिस्कशन ग्रुप बना रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से, उसमें फालतू के मैसेजेस नहीं आने चाहिए ये, क्योंकि हम तीनों लोग भी रहेंगे, तीनों टीचर भी रहेंगे, और डिस्कशन ग्रुप का ये उद्देश्य है कि आप दोनों, आप सब लोग मतलब आपस में भी डाउट सॉल्विंग कर सके, लेकिन ये नहीं है कि फर्जी का डाउट पूछ सके। जैसे कोई सवाल आपसे नहीं हुआ आपने ग्रुप में, जैसे ये ग्रुप है इसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग और बहुत सारी कोचिंग की बातें भी बताई जाती हैं, तो इस ग्रुप में नहीं शेयर होगा। एक डाउट शेयरिंग का ग्रुप बना रहे हैं, उस पे किसी बच्चे ने किया तो अगर पूछा मान लो, तो जिसको आता है वो अपना शेयर कर दे, फेयर कॉपी पे करके या वीडियो के फॉर्म में भी रिकॉर्ड करके वो शेयर कर सकता है, ठीक है, तो वो अपना सोल्यूशन प्रोवाइड कर, इससे आप लोग का थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं कि आपस में आप लोग एक दूसरे से डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा उसमें, वो नहीं है कि मतलब लेग पुलिंग कर रहे हैं आप लोग कि छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, जिसको आता है वो अच्छी बात है। अच्छा आते के बाद उसने बता दिया तो बहुत ज्यादा वेरी गुड थैंक यू, ये सब नहीं करना है, बता दिया बस बढ़िया है, अच्छी बात है, थैंक यू, एक जिस बच्चे ने पूछा था उसने थैंक यू बोल दे उतना बहुत है, हर आदमी नहीं कि वहां पूछने लगो, तो उससे क्या होगा आप लोग का थोड़ा सा, आप लोग का ओवरऑल ग्रोथ होगी, आप लोग की ओवरऑल ग्रोथ होगी, किसको जिसको आता है वो बता देगा तर से, ठीक है। अच्छा डाउट्स भी आप लोग के क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे एक एक स्टूडेंट के भाई 2 फ्रेंड होंगे, 3 फ्रेंड होंगे, आपस में आप 2 ही 3 लोग बात कर सकते हैं, उसमें क्या होगा आपने कोई डाउट पुटअप किया तो हो सकता है किसी और का अच्छा सोल्यूशन आ जाए। कभी कभी टीचर्स के दिमाग में भी चीजें नहीं आती हैं और स्टूडेंट्स के दिमाग में आ जाती हैं,
मतलब ये तो लर्निंग है बेटा, लर्निंग का प्रोसेस हमेशा ओपन रखना चाहिए। मैं भी आप लोगों से बहुत चीजें सीखता हूँ, बहुत बार आप लोग ऐसा डाउट पूछते हो कि उससे कुछ मेरा दिमाग और खुलता है, अच्छा ये ऐसे पूछा तो ऐसे कुछ ऐसे बता सकते हैं, तो बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा हम लोग ऐसा है कि हर वक्त तो नहीं अवेलेबल हो सकते भाई, कि जैसे अब स्टूडेंट हो हर वक्त, भाई हम लोग पास और भी काम है, तो पढ़ाने के बाद और भी काम रहते हैं, तो हमेशा तो नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग तो हमेशा पढ़ ही रहे हो ना, हमेशा पढ़ ही रहे हैं आप लोग, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, घर पे ही जाके पढ़ रहे हैं, लगातार आप 24 आवर में पढ़ ही रहे हो, तो आप अपना डाउट वगैरह क्या कर रहे हो, पूछ सकते हो। तो एक डाउट्स का ग्रुप बनाता हूँ, उसको शेयरिंग पे वॉलंटरी है, जो नहीं जुड़ना चाहे वो ना जुड़े, जिसको जुड़ना है वो जुड़ जाए, ठीक है। लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप वगैरह पे जिसपे है, ठीक है, उस पर आप भेज दीजिएगा, आप लोग उस पर जुड़ जाइए, अपनी क्वेरी आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं, और एक अच्छे से ऑनेस्ट तरीके से आप लोग उस पर जुड़िए, ठीक है, और अच्छे से आप एक दूसरे का सॉल्व भी करिए। आप इसको इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ से सबकी ग्रोथ होगी। आप ये मत सोचो मैंने इसको बता दिया तो मुझसे आगे चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा जीवन में नहीं। आप किसी की मदद करोगे, किसी को बताओगे, तो आप भी आगे जाओगे। आप ये आपस में कंपटीशन में, आपका कंपटीशन तो 18 लाख लोगों से है, ये 50-60 लोगों से नहीं है कंपटीशन आपका, इस ये कोई कंपटीशन थोड़ो ना है, ये तो कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है। तो ग्रोथ हमारा कंपटीशन क्या है, हमारा कंपटीशन बहुत ज्यादा लोगों से, तो हमें आपस में इंप्रूव करना है, ठीक है, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, हेल्पफुल रहेगा ना, तो उसको हम मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करिए, बातें नहीं साहबान, बहुत बात कर रहे हो, अभी तुमसे पूछेंगे। चलो क्वेश्चन बताओ, ये 1 kg का, ये 1 kg और ये 1 kg, और ये ब्लॉक इनिशियली क्या है, 10 m/s की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है ना। तो ये उड़ा, ये एक्सप्लोड किया, जरूरी थोड़ा ना एक्सप्लोजन में एक ही दिशा में जाए, हो सकता है प्लेनर में जा रहा हो, दो दिशाओं में मूवमेंट हो रहा हो। तो ये देखिए ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर, कितने 37 degrees के एंगल पर 5 m/s की रफ्तार से, 5 m/s की रफ्तार से, ठीक है। और ये जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, ये जा रहा है 10 m/s की रफ्तार से, तो इसकी वेलोसिटी मुझे चाहिए, इसकी वेलोसिटी मुझे चाहिए, क्या निकाल सकते हैं। देखो जब वेक्टर के फॉर्म में बात आए तो हर चीज को क्या करना है, वेक्टर के फॉर्म में ही लिखना है। क्या उस वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, लिख सकते हैं क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद आया, क्या वेक्टर एनालिसिस याद आई, करिए। किसी बच्चे को बताओ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कैसे शेयर करते हैं,
बात आप लोग सुनिए बेटा, तुम लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो, मतलब बहुत फिजिक्स एकदम ऊपर से जा रही है अब तो लग रहा है ना अभी, बल्कि हम लोग बहुत इनिशियल फेज में हैं। आप बात समझिए, हम लोग कर क्या रहे हैं, बात एकदम बहुत बेसिक समझो, कुछ नहीं सब भूल जाओ। समझ, हमें यह समझ में आया कि इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, और अगर इनिशियल मोमेंटम बराबर पी आई बराबर पी एफ, और मैंने बोला तुम लोग एकदम उसी को शब्द को पकड़ लेते हो, जैसे ये हो गया एम बी बराबर एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। अब तीन कंपोनेंट है यहाँ पे मास के, एम थ्री वी थ्री, और अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया, वेलोसिटी हमारी अगर वेक्टर के फॉर्म में, अगर वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड दिया होता या एक ही डायरेक्शन में होता, वेलोसिटी जो होती वो एक ही डायरेक्शन में होती तो हम डायरेक्शन उसकी मानते ही नहीं, एक आगे जा रहा है तो दूसरा निगेटिव आता तो बोल देते पीछे जा रहा है। बट यहां पर देखो एक टुकड़ा कहां उड़ के जा रहा है, कहां जा रहा है, एक प्लेनर मोशन में जा रहा है ना, मतलब वो एक प्लेन में जा रहा है, वो आई और जे में डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वो आई जे मतलब कंबाइंड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये वाला किधर जा रहा है, ये जे में जा रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों आगे आगे जा रहा होता तो ये आगे जा रहा होता, ये पीछे आ रहा होता, तो आई या माइनस आई होता मान लेते। लेकिन अब जब ये कंडीशन है कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक प्लेन में जा रहा है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, इस वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी को वेक्टर के। अब मल्टीपल कंफ्यूजन आप लोगों को, कुछ बच्चा कह रहा है सर ये वाला कंपोनेंट ले कि ना ले, सर ये वाला ले लें क्या, अरे आपका मन थोड़ा चल रहा है कि आपका जो मन है वो ले लो, ऐसा तो होना है, मेरा मन भी नहीं चलेगा मैं कह दूं कि इसको ले लो, ऐसा नहीं है। ये वेलोसिटी है वेक्टर, आप लोगों ने ढंग से पढ़ा ही नहीं। चलो ये हो गया 5 और ये है 37 डिग्री पर, कोई वेक्टर भी है, कोई वेक्टर भी है तो क्या इसकी वैल्यू लिख सकते हो आप, वेक्टर को लिखिए, कैसे लिख सकते हैं वेक्टर को, व्हाट इज दिस वेक्टर, वेक्टर को कैसे लिख सकते हो आप, कोई कह रहे कंपोनेंट लेंगे सर क्यों लेंगे, अरे कंपोनेंट इसको लिखने के लिए लेना है, इसको वेक्टर को मैं कैसे लिखूं, इस वेक्टर को लिखने का मतलब क्या है, इस वेक्टर के कंपोनेंट करना है, एक क्या है 5 cos 37 और दूसरा क्या है 5 sin 37 और cos 37 किधर जाया, ये होगा आई के डायरेक्शन में और ये किस में, जे के डायरेक्शन में, और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कौन सा वेक्टर बनेगा, वी वेक्टर, जो एक्चुअल वेक्टर है, ये 1 kg का टुकड़ा वी वेलोसिटी से जा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है लेकिन डायरेक्शन हमको दे रखी है, उस डायरेक्शन की मदद से वेक्टर के फॉर्म में वेलोसिटी वेक्टर पहले आपको निकालना है, पहली बात ये समझिए, वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेंगे तो अब अच्छा यहाँ पे अब इस पे cos 37 पर तो नहीं फंसते हो ना, cos 37 की वैल्यू बता ही रखा आपको, ये 37 तो ये 3 और ये 4 और ये 5 तो cos 37 कितना 5 × 4/5 कितना हो गया 4 तो ये 4i कैप और ये क्या हो जाएगा cj कैप, तो इसका मतलब मैं v को क्या, या v क्या है ये v1 मान लो इसको, ठीक है v1 को क्या लिख सकता हूं 4i कैप प्लस 3j कैप, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बात समझ में आई, क्यों इसको कर रहे हैं, क्योंकि हमको इस फॉर्मूले में रखना है, इस फॉर्मूले में रखना है पी आई बराबर पी एफ में क्या करना है, इसको रखना है। आयुष्मान समझ में आया बेटा, ये वेलोसिटी का दोनों कंपोनेंट लेंगे, कोई आपकी मर्जी नहीं चल रही, एक लोगे दूसरा नहीं लोगे, पूरी वेलोसिटी को लिखना है, पूरी वेलोसिटी को लिखना है। ठीक है, अब देखिए मास कितना है इनिशियली 3 kg, कितना है 3 × V, अच्छा 10 है कि 10i कैप, बहुत बच्चे 10 लिख दिए, 10 क्यों, जब इधर वेक्टर तो इधर भी वेक्टर, वेक्टर बराबर स्केलर, स्केलर बराबर वेक्टर नहीं हो सकता, वेक्टर बराबर वेक्टर ही होगा, तो क्या होगा ये, जब वेलोसिटी हर जगह आपने वेक्टर के फॉर्म में रखी तो इस पे भी वेक्टर के फॉर्म में ही रखेंगे, बात समझ में आई, तो या तो देखो हर जगह वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में रखो या हर जगह क्या रखो वेक्टर के फॉर्म में रखो, वेक्टर के फॉर्म में जहां रखते हैं जहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बहुत ज्यादा चेंज है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है चेंज है, या एक डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड है या प्लेनर वेलोसिटी है,
तो वहां पे वेक्टर के फॉर्म में रखेंगे। जहां पे किसी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है वहां पे क्या रखेंगे, हम उसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रख दें। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था 10i 10 रखें या ना रखें, 10i रखें, बात क्या है हमारी एक ही है। अब यहां पे कितना रख दूं, 10i कैप बराबर m1, m1 कितना बताओ 1 इंटू कितना v1, v1 कितना 4i प्लस 3j प्लस m2 माना इसको कितना 1, वेलोसिटी बताइए 10j कैप प्लस बताओ m3 1 और इसको मान लू क्या v3, यही v3 वेक्टर यही हमको निकालना है। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा 30 और ये 4 कितना हो जाएगा 26, तो v3 बराबर 26i कैप और माइनस 13j कैप। ठीक है, कोई मैग्नीट्यूड पूछे इसका, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या करेंगे, 26 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर का अंडर रूट। कोई थीटा पूछे तो क्या बताओगे, 10 इनवर्स माइनस 13 अपॉन 26। एंगल भी बता सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बता सकते हो, इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो, कर सकते हो नहीं ड्रॉ कर सकते हो, 26i माइनस 13j को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, 26 आपका इधर आ गया और 13 आपका इधर आ गया, तो थीटा आपका इधर कुछ आ जाएगा, तो ये थीटा की वैल्यू आप निकाल ही लोगे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, बस वेक्टर नहीं पढ़े रहोगे नहीं समझ में आएगा। वेक्टर का यूज है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, वेक्टर बहुत दिनों पहले मैंने पढ़ाया था ना, वेक्टर आना जरूरी है। बहुत तुम लोग को गर्मी नहीं लग रही हा? नहीं लग रही पसीने, थोड़ी देर जलवा विष्णु सर एसी चलाइए थोड़ा, बहुत गर्मी हो रही है बेटा। दोबारा पूछ लो आप लोग, देखो बात समझो, अपनी परेशानियां छुपाने से कुछ नहीं होगा ना, आप समझिए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे लिखना है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है, वेक्टर के फॉर्म में लिखना आपको आना चाहिए। और ये सब मैंने करा रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं कराया, ना कराया तो मैं जिम्मेदार हूं, मैंने कराया ये सारी चीजें, ठीक है, जो भी पुराने बच्चे हैं सबको पता है, ये पूरा वेक्टर मैंने पढ़ा रखा बहुत अच्छे से, बाकी यूट्यूब पे भी 4 वीडियो पड़े हुए हैं, उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको इतना आ जाएगा ना। तो वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको आनी ही चाहिए, 100% आनी चाहिए, उसके बिना तो आप बढ़ ही नहीं सकते आगे। चलिए आगे चलें, जल्दी चलते हैं बेटा, बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। चलो एक नया सवाल करिए, एक और देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए। एक ब्लॉक आपका एम मास का है, बुलेट है वो भी एम मास की है, बुलेट यहाँ पे बी वेलोसिटी से जा रही है और मैं मान रहा हूं कि बुलेट जो है ये इसमें आएगी और इससे पार नहीं निकलेगी, इस ब्लॉक में जाके धस जाएगी, इसमें जाके धसेगी और फिर क्या करेंगे, बुलेट और मास जो है दोनों एक वेलोसिटी से आगे जाएगा, तो जब ये वेलोसिटी से आगे जाएगा तो वो वाली वेलोसिटी मुझे चाहिए, फाइनल वेलोसिटी। हाँ हाँ, दोनों का मास सेम है, अभी सेम बनाओ, कितना v/2, ठीक है, अगर इन दोनों का मास अगर सेम है, वैसे तो सेम नहीं होगा लेकिन अगर मान लिया हमने मास हमारा सेम है और यहाँ पे बुलेट की वेलोसिटी कितनी है
वी है और इसको हम थ्रो कर रहे हैं, जा रही है वेलोसिटी से और इसमें जाके इम्बेड हो जा रही है। क्या हो रही है? इम्बेड। इम्बेड का मतलब हाँ इम्बेड है, इम्बाइब है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, जाके धस जा रही है। उसके बाद कुछ वेलोसिटी से आगे जाएगा, तो जिस वेलोसिटी से आगे जाएगा वही हमको वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे भी देखिए एक्सटर्नल फोर्स आपके नहीं है, पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक बात और ध्यान रखिए, जब ये यहाँ पे जाएगा धसेगा तो यहाँ पे कुछ एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। ये क्या करेगा, ध्यान से समझ लीजिए, ये कुछ नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा तो ये भी इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, तो वो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इंटरनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। तो इसमें भी मोमेंटम आपका कंजर्व होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप इसमें भी लगा सकते हैं। चलिए, तो पीआई बराबर क्या हो गया, पीएफ। तो पीआई क्या है, पीआई बराबर एम वी प्लस एम इंटू जीरो। पीएफ क्या हो गया, देखो अब जाके तो मास कितना हो जाएगा इंटू वी डैश क्या हो जाएगा। तो पीआई बराबर पीएफ, यानी कि एम वी बराबर टू एम इंटू वी डैश। तो वी डैश बराबर क्या, V बराबर V बाई टू। बहुत सिंपल सवाल है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, बस खत्म होगी बात। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, इसमें अगर ये मैंने सरफेस क्या मानी, स्मूथ, लेकिन बात समझ लो, बहुत ध्यान से समझो, अगर इसमें थोड़ा बहुत फ्रिक्शन आ भी जाए, अगर फ्रिक्शन हमारा आ भी जाए तो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, वो लागू होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, वो आपका लागू होगा। फ्रिक्शन का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी जो होगी ना, बहुत ही हाई वेलोसिटी से आएगा, तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ज्यादा इस पे इफेक्ट नहीं डालेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट नहीं करेगा। फ्रिक्शन क्या है, वैसे तो एक्सटर्नल फोर्स ही है, लेकिन वो हमारा, उसकी जो क्षमता है वो क्या होगा, नेग्लिजेबल होगा। फ्रिक्शन क्या होगा, नेग्लिजेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा बता दूं, अच्छा नोट करो इसको। बेटा देखो इसमें क्या है, मैंने कहा, अच्छा मान लीजिए कि मोमेंटम कंजर्व है, लेट्स सपोज मोमेंटम इज कंजर्व, तो पीआई बराबर पीएफ। क्या है, इनिशियल मोमेंटम। इसका वेलोसिटी कितनी, v, मास कितना, m, तो कितना हो गया, m इंटू वी। ये क्या है, मास m, और रेस्ट पे है तो कितना वेलोसिटी, जीरो, तो एम वी प्लस एम इंटू जीरो बराबर। अब पीएफ बराबर, देखो जब मास बुलेट जाके उसमें इम्बेड हो गई तो उसका मास कितना हो गया, m प्लस m, कितना हो गया 2m, और मान लिया वेलोसिटी v डैश से ये आगे जा रही है, तो अब इसका मोमेंटम कितना हो गया, एम प्लस एम इंटू वी डैश, जो वी, तो पी आई बराबर पी एफ किया तो एम वी बराबर टू एम वी डैश, तो कितना हो गया, वी डैश बराबर वी बाई टू। बात समझिए, मैंने माना कि मोमेंटम हमारा कंजर्व हुआ तो वी डैश बराबर वी बाई टू निकल के आया। अच्छा v डैश बराबर v बाई टू है तो क्या मोमेंटम कंजर्व हुआ, दोबारा चेक कर लेते हैं कंजर्व हुआ कि नहीं हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो तो पी आई बराबर क्या हुआ, एम वी, और पी एफ बराबर क्या हुआ, कितना पी एफ है, कितना
2m into v' की वैल्यू कितनी, v by 2 कितना आया, mv, इनिशियल मोमेंटम mv, फाइनल मोमेंटम mv, तो मोमेंटम क्या हुआ, कंजर्व, मोमेंटम क्या हुआ, कंजर्व, यानी कि जो बोला था हमने वो सही बोला था, मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया, ठीक है। और वैसे भी इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्वेशन लगेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। अच्छा नेक्स्ट लिख लीजिए कि इस पे अगर फ्रिक्शन मान लीजिए, ये स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अगर है या म्यू इक्वल टू 0.1, तब भी ये सारे केस सेम होंगे, तब भी यही आंसर होगा, तब भी यही आंसर होगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो फोर्स होगा वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होगा, उसको एक्सटर्नल फोर्स की तरह कंसीडर आप नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स को की वैल्यू जो होगी वो नेग्लिजिबल होगी, ऑल्दो फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होगी तो उसको कंसीडर हम नहीं करेंगे। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसको मानेंगे, अगर मान लीजिए आपका फ्रिक्शन सरफेस है तो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका लागू होगा। बहुत ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना है, इसमें डिटेलिंग फिर बहुत ज्यादा है, आपको मानना है कि अगर इसमें फ्रिक्शन लग रहा है तो भी आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, ये लागू होगा, ठीक है, वरना फिर डिटेल में तो फिर फ्रिक्शन का बहुत ज्यादा डिटेल बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो फिजिक्स में चीजें रटी वो नहीं है कि मतलब एक क्लास में आए, जैसे केमिस्ट्री या बायोलॉजी में होता है कि जैसे एक चैप्टर छूट गया तो दूसरा चैप्टर समझ में आ जाता है, फिजिक्स में ऐसा नहीं है, एक चैप्टर छूट गया तो आगे के भी चार चैप्टर नहीं समझ में आएंगे, ये बड़ी खराब बात है, मतलब पूरी यूनिट नहीं समझ में आएगी पूरी पूरी, अब जिसका काइनेमेटिक छूटा है उसको ये कहाँ समझ में आएगा, काइनेमेटिक छूटा है, पैराबोला छूटा हुआ तो फिर ये नहीं कर पाओगे, सवाल ही नहीं कर पाओगे, कल पढ़ा रहा था वही नहीं समझ में आएगा, 10 चीजें तुमको नहीं नहीं सुनाई देंगी, जो बच्चे जिनका थोड़ा बहुत छूटा हुआ है उनको मेरी बातें ऐसे लग रही होंगी जैसे मैं चाइनीज बोल रहा हूँ, ना समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, तो मेरी गलती नहीं है बेटा, मैंने तो सब पढ़ाया है, आपने क्लास नहीं अटेंड किया तो फिर मेरी गलती नहीं है वो, ना आपने, अब वेक्टर है ये बच्चे बता रहे हैं सर इसको ले लें उसको ले लें ऐसा कर ले, तो ऐसा नहीं हो, मेरी गलती नहीं है, मैंने वेक्टर पढ़ाया बहुत डिटेल में पढ़ाया, आपने नहीं पढ़ा तो फिर मैं क्या करूं, ना। लेकिन अब ये रटाने जैसी चीज तो है नहीं कि कुछ मैं रटा दूं आपको, रटाने जैसा कुछ नहीं है, फिजिक्स में इंटरकनेक्टेड है, हर चीज इंटरकनेक्टेड है, और एट लास्ट आप देखेंगे मैं सारी यूनिट आपको जोड़ दूंगा, रिवीजन में कराऊंगा जब आपका तो सारी चीजें कर दूंगा। अब इसका जैसे ही यूनिट खत्म होती है वैसे ही हम लोग सवालों पे आ जाते हैं, नेक्स्ट यूनिट शुरू करते हैं और इसके सारे सवाल लगाना हम लोग शुरू करते हैं, वी का कोई एक दिन डिसाइड कर लेंगे, उस दिन डिस्कशन आप क्वेश्चन रख देंगे, ठीक है, क्योंकि सवाल अभी आपसे भी नहीं लगे हैं, नहीं लगे हैं ना, पता है मुझे नहीं लगे हैं, क्योंकि मैंने भी अभी नहीं लगाए हैं, मुझे भी लगाने हैं, आपको बताने हैं, भाई मैं भी लगाता हूँ सवाल तभी आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे भी सवाल देखने हैं, ट्राई करने, एक एक सवाल पे बेटा आधा आधा घंटे लग जाता है, कभी कभी 20-25 मिनट लग जाता है, सवाल को अच्छे से कैलकुलेट करने में, अच्छे से आपको समझाने में, जैसे एक सवाल अभी बिटिया ने पूछा था, इसलिए साक्षी ने पूछा हुआ है, बड़ा अच्छा सवाल है, उस पे एक गोला काट दिया है, वह 7वां नंबर कौन सा सवाल है, उसको उठा के उधर रख दिया तो सेंटर ऑफ मास कितना, बहुत जबरदस्त सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा उस सवाल को आप लोग कर लोगे तो आपका दिमाग एकदम ओपन हो जाएगा, मैंने भी करके देखा, तो सवाल उसका अच्छा सलूशन भी कहीं अच्छे से नहीं दिया हुआ है तो उसको फिर लगाया अप्लाई किया, अभी कराऊंगा मैं सवाल उसको आपको, आप लोगों को कराऊंगा, अच्छा सवाल है, उस सवाल को लगा लोगे तो सेंटर ऑफ मास आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी बच्चे ने लगाया कि नहीं लगाया, यूनिट 1 का 7वां नंबर सवाल है, कौन सा सवाल है, अभी करेंगे डिस्कस, परेशान मत हो, देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं चाहूं तो तुरंत डिस्कस कर लूं, कोई दिक्कत नहीं, पीवाईक्यू आपसे लग जाएंगे, पीवाईक्यू आपसे भी लग जाएंगे, लेकिन लेवल के सवाल नहीं लगेंगे, ये बात आप भी नोटिस कर रहे होंगे ना। चलिए नेक्स्ट चले, ये वाला सवाल है, देखो ये लग गया बेटा आपसे, हो गया ये 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया सबसे, ये वाला दिस वन नहीं हुआ, अच्छा सवाल है, हुआ शिवम किया, निकाला
नहीं नहीं आंसर नहीं चाहिए मुझे, एकदम मुझे सोल्यूशन चाहिए। हाँ एकदम गैस पे नहीं, गैस तो कोई भी कर सकता है, गैस नहीं एग्जैक्ट सोल्यूशन। चलो भी निकालेंगे, ये समझ में आया? नहीं प्रोसेस यही है बेटा, इसी तरीके से करेंगे। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए बातें नहीं, चलो एक सवाल और करो। देखिए बात ध्यान दीजिए, बात बहुत ध्यान दीजिए कि वही सवाल है, बुलेट है 0.5 kg की, ध्यान से सवाल सुन लीजिए, आप सब लोग ये सवाल कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं, ठीक है? सुनिए, 0.5 kg का है, कुछ वेलोसिटी दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, यहाँ पे इनिशियली है, रेस पर था कितना किलोग्राम है, 1.5 kg, ये बुलेट ने जाके इसको हिट किया, कितनी वेलोसिटी है, 10 m/s, जब हिट किया तो बुलेट क्या हो गई इस ब्लॉक में, इम्बाइब हो गई है, एम्बेड हो गई, और दोनों ब्लॉक क्या हुए, साथ में मूव करना स्टार्ट किया, तो जब साथ में मूव कर रहे तो वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 2.5 m/s, और सरफेस अब की बार स्मूथ नहीं है, क्या है, फ्रिक्शनल सरफेस है, जिसका म्यू क्या दिया हुआ है, 0.1। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के बाद, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। अच्छा ये रेस्ट पे दिया तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? अच्छा ये तो निकाल ली मैंने वेलोसिटी, ये दिया नहीं हुआ है, ये निकाल के आएगी वेलोसिटी, ठीक है? तो वेलोसिटी आपने निकाल ली, अरे आंसर ही तो पता है, प्रोसेस निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी आपने निकाल ली, बात सुनिए ध्यान से सुनिए, ये वेलोसिटी आ गई तो ये क्या किया, मूव करने लगा। अच्छा मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शन लग रहा है तो ये मूव करता जाएगा कि रुकेगा, रुकेगा कहां पे जाके रुकेगा, कुछ दूर जा, क्या बोला, जीरो पे जाके रुकेगा, कुछ डिस्टेंस जाके दूर पे रुकेगा, तो जितनी डिस्टेंस पे जाके रुकेगा वो हमको निकालना है। हाँ किस डिस्टेंस, बात समझ में आया कि नहीं, बुलेट ने जाके इसको हिट किया, हिट करने के बाद बुलेट उसमें इम्बाइब हो गई, इम्बाइब होने के बाद बुलेट और ब्लॉक साथ में मूव किया, साथ में मूव किया तो फ्रिक्शन ने उसको पीछे खींचा, भाई स्मूथ होता तब तो मूव करता जाता, कोई नहीं था, फ्रिक्शन अब लग रहा है तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना लगा, म्यू एन या म्यू एम जी, और एम की जगह क्या है, टोटल मास, एम की जगह टोटल मास, तो म्यू एम जी फोर्स हमारा लगा, और फोर्स का इफेक्ट क्या हुआ, m into a, mass into a, क्या यहां से acceleration आ जाएगा, a आ गया, initial velocity यहां पे जब move करना शुरू किया, initial velocity आ गई, conservation of momentum से, final velocity क्या है, zero, v square बराबर u square plus 2as से आप distance निकाल लोगे, वो acceleration है कि retardation है, retardation है, तो आप क्या distance निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शनल एलएलएम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तीनों की नॉलेज होना जरूरी है, नहीं है तो सवाल नहीं होगा, सिंपल है ना। चलिए लगाइए, जो लगाएगा उसको एक पार्ले जी बिस्किट, कितना, चलो तुमने अभी बिना लगाए बता दिया, लग रहा है लगा लिया, चलो आज खा लेना खरीद के। सब लोग लगाएं, मेरी बात समझ में आई सबको, अप्लाई करें, तो फिजिक्स ना समझ पाने का कोई कारण नहीं है, बस यही है कि स्टेप बाय स्टेप है ना? स्टेप बाय स्टेप नहीं चढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा।
चलिए बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए बहुत ध्यान से देखिए, मैंने आपसे बोला कि बात समझिए क्वेश्चन क्या है। बहुत सारी गलती आप लोग कर रहे हो, बहुत सारे लोग कर रहे हो ना, तो बहुत टेंशन का विषय है ये। और ये मैं इसमें मेरी कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब फिजिक्स एक दिन में सिखानी कोई चीज़ है नहीं कि बेटा एक घंटा लिया और चार चीज़ें बता दी और आपको रटा दी, वो चीज़ें नहीं है। जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें हर एक चीज़ क्या है, एक दूसरे से लिंक है। अगर आपको नहीं पता तो फिर नहीं पता, आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं अप्लाई करना आता, फोर्स निकालना नहीं आता, फ्रिक्शन फोर्स नहीं पता, तो मैं कहाँ से पढ़ा दूँ? फ्रिक्शन फोर्स को मैंने कितने दिन पढ़ाया है, कितने लेक्चर पढ़ाए फ्रिक्शन के, समझो 7-8 लेक्चर तो कराए हैं फ्रिक्शन के, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी के कितने कराए हैं, 17 लेक्चर कराए वर्क पावर एनर्जी के। तो बेटा वो सारी चीजें एक दिन में तो नहीं हो सकती, अगर वो चीज आपने नहीं पढ़ी है तो नहीं होगा, ठीक है। बेसिक समझिए, क्या मैंने बोला, मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे लगेगा, बातें नहीं लास्ट में, इधर देखो सामने सामने देखो, बातें नहीं बिल्कुल भी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस पे अप्लाई होना है। तो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, तो पी इनिशियल क्या हो जाएगा, पी इनिशियल बराबर मास इंटू वेलोसिटी। बताओ बुलेट का मास कितना, 0.5, वेलोसिटी कितनी, 10। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर अब आपने टेनआई नहीं लिया, अब आपने टेनआई नहीं लिया, अब वेक्टर के फॉर्म में नहीं ले रहे। बेटा अब तो वेक्टर अभी आगे ही जा रहा है, ठीक है, ये टेनआई है और ये यहाँ पे रखे तो उड़ हो जाएगा, उड़ जा रहा होता तो बात देखते, ठीक है। अभी तो क्या है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है, आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 10 ही लिया, ठीक है। 0.5 इंटू 10 प्लस 1.5 इंटू क्या वेलोसिटी है, 0, तो P इनिशियल कितना आ गया, 50 अच्छा 5 आ गया, कितना आ गया, P इनिशियल बराबर 5। अच्छा P फाइनल में क्या कह रहा है, बुलेट यहाँ पे जाके इम्बाइब हो जा रही है, तो अब इसका मास कितना हो गया, 0.5 प्लस 1.5 कितना, 2 kg, और इसकी वेलोसिटी कितना मान लो, v डैश, तो P इनिशियल बराबर P फाइनल, तो 5 बराबर 2v डैश, तो v डैश बराबर क्या, 2.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉक इधर आ रहा है नहीं, किधर जा रहा है, आगे ही जा रहा है, क्या हो रहा है, ब्लॉक आगे जा रहा है, बस इसकी कहानी खत्म। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या था, कि जब बुलेट यहाँ पे आके इम्बाइब कर जाए तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। अब ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा मूव कर रहा है तो करता ही रहेगा कि रुकेगा, रुकेगा, क्यों रुकेगा, क्योंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये रुकता नहीं, ठीक है, तो रुकता नहीं। तो जैसे आप लोग पता ही है, फ्रिक्शन तो मैंने बहुत बार बढ़ा रखा है ना, ऑयल है तो ऑयल पे आप चल रहे हैं, स्लिप हुए तो स्लिप होते हुए चले आएंगे, आप रुकेंगे क्यों, जब फ्रिक्शन होगा तो ही रुकेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इतनी बात समझ में आई, तो देखिए, अब देखिए ब्लॉक के लिए, ये जो ब्लॉक है इस पे मान लीजिए कि एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है और पीछे क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों के इफेक्ट में ये जो ब्लॉक है वो आगे जा रहा है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स और इसका मास कितना, 2 kg, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स F माइनस F बराबर M इंटू A, तो F बराबर क्या, 0 माइनस F म्यू एम जी, म्यू एम जी क्यों, म्यू इंटू N, म्यू इंटू N, F बराबर 0, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग ही नहीं रहा है ना, तो माइनस म्यू एन बराबर एम ए, तो माइनस म्यू। अब कुछ बच्चे एन में यहाँ 50 न्यूटन रख दिए हैं, पता नहीं कौन से दिमाग से रख दिए हैं, उसमें नहीं रखना है बेटा, बात समझो। ये देखो ये 0.5 जो है, बात समझो, ध्यान दो, 0.5 जाके यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया, तो कितना वेट हो गया बेटा बताओ, 2 kg। अब 2 kg हो गया, तो अब 2 kg का ब्लॉक मूव कर रहा है, बहुत ध्यान से समझिए, 2 kg, तो ये कि नीचे कितना लग रहा है mg, और ऊपर नॉर्मल कितना लग रहा है n, तो n बराबर क्या mg, n बराबर क्या हो गया बेटा mg, यही हुआ ना, 50 न्यूटन नहीं होगा, कहीं से भी नहीं होगा, और ये मास तो सेम ही है बेटा,
यही तो मास मूवमेंट हो रहा है, तो ये m और ये m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो a बराबर माइनस म्यू जी कितना हो गया, माइनस 0.1 इंटू 10, तो a बराबर व्हाट, a बराबर माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी कहानी समझ में आई सबको, ठीक है, ओके बोलो सब लोग, यहां तक ओके है, ठीक है। अब यहां तक नहीं ओके इसका मतलब आपका एनएलएम नहीं आता, फ्रिक्शन नहीं आता, तो फिर वो तो बेटा 18-18 लेक्चर में कराया मैंने, कहां से एक दिन में करा दूं, ठीक है। यहां से ही आ गया, अब देखो अगर ब्लॉक यहां पे था, ठीक, और यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगा, इसका एक्सेलरेशन कितना है, माइनस 1 मीटर, ए बराबर कितना, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कुछ दूरी जाके ये क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हमको निकालनी है, ये डिस्टेंस हमको निकालनी है, तो ये जो ब्लॉक, ये बुलेट थी जब इसमें इम्बाइब हुई और जो वेलोसिटी हुई, अब इसके लिए क्या है, वो इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो u बराबर कितना है, 2.5 मीटर पर सेकेंड, v बराबर कितना है बेटा, 0, क्योंकि रुक गया जाके, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v बराबर 0 का स्क्वायर, और ये कितना, 2.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू s, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो s बराबर क्या आ जाएगा, 6.25 अपॉन 2, तो s बराबर क्या, पहले ये तो समझ ले, एनर्जी कंजर्वेशन तो बाद में लगाएंगे, इतना समझ में आया, ये बेसिक सवाल है, इतना समझने में किसी को दिक्कत हो तो बताइए, हो गया, बहुत मिस्टेक कर रहे हो लेकिन तुम लोग, बहुत लगभग लगभग सभी लोग जो कर भी रहे हो, आंसर निकाल भी रहे हो, कुछ ना कुछ गलत तरीके से निकाल रहे हो, बस निकाल ले जा रहे हो ना, हाँ कहीं ना कहीं से लुढ़कते भुड़कते पहुंच जा रहे हो, लेकिन प्रोसेस गलत है, देखो प्रोसेस को करेक्ट करो, आंसर केवल अचीव अभी हमारा टारगेट नहीं है, एट द टाइम ऑफ एग्जाम जब हम मार्च और अप्रैल में होंगे ना, तब आंसर निकाल लोगे, मैं मान लूंगा, अच्छी बात है निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं नहीं मानूंगा, अभी मैं नहीं, अभी मुझे आपको प्रोसेस सिखाना है, क्योंकि जब करेक्ट प्रोसेस रहेगा ना, वो आपके अंदर इनबिल्ट हो जाता है, वो आपकी आदत पड़ जाती है, तो आदत ही सही डालो ना, अपनी आदत को सही बना, पता चला वेक्टर, अब इसको वेक्टर के फॉर्म में करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, अपनी आदत ही सही रखो, तो आपको अप्लाई करने का, डायरेक्शन का, एरो मानने का, ये आदतें आपकी, डायग्राम बनाने की आदत आपकी सही होनी चाहिए, अगर सही होगी तो सवाल आता तो वैसे ही हो जाता है, और गलत आदत है तो एक सवाल का आंसर आ भी गया, दूसरा सवाल गलत हो जाएगा ना। चलिए आगे चलें, इसी सवाल को हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, टोटल वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए करिए, कौन सा फोर्स है, कितने फोर्स लग रहे हैं, फ्रिक्शन कितना हुआ, म्यू एम जी, डिस्टेंस कितनी, एस, म्यू एम जी इंटू एस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो म्यू एम जी इंटू एस बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, वहां से एस निकाल लीजिए, डायरेक्ट आ गया,
यही तो बता रहे हो। इसी सवाल को लगा चुके हो क्या पहले? लगा चुके इस सवाल को पहले आप? अच्छा नहीं, कहीं ऑनलाइन पढ़ा है क्या तुमने? ऑनलाइन पढ़ा भी है? अभी यहाँ नहीं पहुंचे? अच्छा ऑनलाइन में अभी आप लोग पीछे हैं। अच्छा कौन छुट्टी ले लिया? अच्छा ऑफलाइन में समझ में नहीं आएगा तो ऑनलाइन में तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बहुत लोग करके बहुत परेशान हो गए। वो लड़का आया नहीं आज? अभिषेक पटेल नहीं आया? वो तो 1 महीने से ऑनलाइन कर रहा था, आज नहीं आया क्या? अभी आया घूम घाम के। कहाँ गया अभिषेक? आया है? नहीं आया? हाँ आंसर आ गया। ऑनलाइन एजुकेशन उसके लिए अच्छी है जिसका दिमाग पहले से ही बहुत अच्छा है, पहले से ही आपको सारी चीजें पता हैं, एडॉप्टिव है भाई, वरना तो कुछ नहीं समझ में आएगा। बताओ भाई, नहीं लगा पाए? वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, लिखो, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिखो लिखो, बातें नहीं आपस में। ज्योति लिखो, इसका क्या नाम है? ज्योति के बगल बैठी बिटिया, क्या नाम है? आमीन, अमीना, अमीना लिखो बेटा, बातें बहुत करती है तुम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितने फोर्स लग रहे हैं बताइए? कितने फोर्स लग रहे हैं? दो, एक, तीन लग रहे हैं। एक नॉर्मल, एक एमजी और एक फ्रिक्शन। बट नॉर्मल और एमजी के कारण वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। ये यहां पे देखो, ये कितना लगा? एमजी। ऊपर कितना लगा? नॉर्मल। पीछे क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। और ये कुछ आगे जा रहा है, मान लीजिए इस डिस्टेंस, तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस डब्ल्यू एस, डब्ल्यू एम जी और डब्ल्यू एन बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, तो के इनिशियल माइनस के फाइनल। तो डब्ल्यू एफ बराबर बताओ म्यू एम जी। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कुछ भी लिख सकते हो कि जो बड़ा है, जैसे डेल्टा एफ है ना, डेल्टा एफ डेल्टा के है, डेल्टा के, तो जो बड़ा होगा उसको पहले लिखोगे। जब भी डेल्टा लिखा जाता है तो जो बड़ा होता है वो पहले लिखा जाता है, ठीक है? उसमें तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? म्यू एम जी इंटू एस प्लस जीरो प्लस जीरो। ये नहीं कि सर ने ऐसे लिख दिया, ऐसे इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने देखा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है। अगर निगेटिव मान लोगे तो इसको भी निगेटिव मान लो, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको फोर्स मान रहे हो तो उसको भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। बाकी ये डेल्टा के है, डेल्टा के की वैल्यू के आई माइनस के एफ भी हो सकती है और के एफ माइनस के आई भी। मैंने कहीं पे ये नहीं बोला के आई माइनस के एफ या के एफ माइनस के आई है, ऐसा नहीं है। डेल्टा के है, लिखने के लिए के एफ माइनस के आई लिख देते हैं, लेकिन के आई माइनस के एफ भी हो सकता है। डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव ही होनी चाहिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। तो क्या हो जाएगा? म्यू एम जी इंटू एस बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम कटा तो एस बराबर क्या हो जाएगा? एस बराबर 2.5 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा? 3.125, ठीक है? तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से भी हम लोग ये सवाल लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए
आज डिस्कशन बहुत खराब हो गया, बहुत टाइम वेस्ट हो गया आज, 3-4 सवाल करा पाए। चलो बात समझ में आई, ठीक है। बंद कर दिए सर एसी, बच्चे बीमार हो रहे हैं, अभी सर आएंगे बस करा देंगे। चलें आगे, चलें चलें, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रॉलीज। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रॉली, इसमें लिखिए केस वन, केस वन। केस वन लिखो, बॉय, अ बॉय वांट टू जंप, अ बॉय वांट टू जंप फ्रॉम द ट्रॉली, ए बॉय वांट टू जंप फ्रॉम द ट्रॉली एंड वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज यू, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज यू, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज यू। देखो बात समझो, इस क्वेश्चन में है क्या, ये पहले एक बॉय है ट्रॉली पर है, ठीक है, और ट्रॉली, ट्रॉली और बॉय क्या है, रेस पर है, तो बॉय क्या करता है, यू वेलोसिटी से जम कर रहा है, तो यू वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दी हुई है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी है, जिसके रिस्पेक्ट में दी है वही हम मानेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी हुई है। तो जब हम मूव करेंगे तो क्या ट्रॉली भी मूव करेगी, ट्रॉली भी मूव करती है, ऐसा है, आप इस चीज को अनुभव करिए। नाव की सवारी की है लोगों ने, नाव, नाव पे बैठे हो सब लोग, नाव पे बैठे नहीं बैठे, जब नाव किनारे पे लगती है और आप उतर रहे होते हैं, तब जो नाव वाला है वो आपसे कहता है भैया आराम से उतरना, क्योंकि जब आप उतरते हैं तो आप तो आगे जाते हैं, नाव को आप पीछे धकेलते हैं, नाव क्या जाती है, आप जब ऊपर चढ़ते हैं तो अगर लगातार लोग चढ़ते हैं ना तो हो सकता है कोई गिर भी जाए, क्योंकि नाव क्या हो रही है, पीछे की टहरे में आ रही है, तो अगर ये जंप करेगा तो ट्रॉली क्या होगी, आगे पीछे आएगी, वो हमारा अभी देखने का डिस्कशन का विषय है, लेकिन ये क्या होगा, पीछे ही जाएगी, मतलब ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ट्रॉली में मूवमेंट होगा। यहां पे बताइए एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स भी इस पे नहीं है, तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, निकालिए, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, सेम कहानी, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। हो गया, सही हो गया, कर दीजिए, कर दीजिए, बंद कर दीजिए, क्या चाहिए, कितना आ रहा, बताइए पी इनिशियल, बताइए पी इनिशियल बराबर एम इंटू प्लस एम, इसका मास एम और इसका मास, ठीक है, दोनों एक ही पे रखे हैं ना,
तो एम प्लस और वेलोसिटी कितनी जीरो, तो एम प्लस एम इंटू जीरो, पी फाइनल बताओ एम इंटू यू प्लस एम इंटू वी, एम इंटू वी यही हुआ ना, एम इंटू यू और एम इंटू वी, तो वी हमें निकालना है, तो पी आई बराबर क्या है, पी आई बराबर पी एफ, तो हमारा क्या हो जाएगा जीरो बराबर एम यू प्लस एम वी, तो यहां से वी क्या आ जाएगा, वी बराबर माइनस एम यू अपॉन एम, एम यू अपॉन एम, नहीं अच्छा ये तो हो गया केस वन, जहां पे वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ था, अब वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ये दिया है u, ये दिया है u, लिखो केस सेकंड, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर द जंप, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर द जंप इज यू, वेलोसिटी ऑफ द बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर द जंप इज यू, जंप करने से पहले बॉय की वेलोसिटी क्या है, यू है, ठीक है ना, देखिए यहां पे कुछ नहीं है, बस वही है कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बराबर वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये करते थे, रिलेटिव वेलोसिटी याद आई, जिसने पढ़ी उसको याद आई होगी भाई, याद आया रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली यू दिया है, ये वेलोसिटी ऑफ बॉय, ये क्या है वी बी, वेलोसिटी ऑफ बॉय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी है, कितना है भाई जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या हो गई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या हो गई यू, तो बात सारी क्या हो गई घूम फिर के वही हो गई, चाहे वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल लो, चाहे वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बोल लो, दोनों क्या हो गया बराबर ही हो गया, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी क्या आ गया यू आ गया, तो सारा डिस्कशन क्या हो गया वही सेम, फिर से वही लगा दीजिए पी आई बराबर पी एफ, पी आई बराबर पी एफ, तो पी आई बराबर क्या एम प्लस एम इंटू जीरो, पी एफ बराबर क्या एम इंटू यू प्लस एम इंटू वी, तो एम यू प्लस एम वी बराबर जीरो, तो वी बराबर माइनस एम यू अपॉन एम, एम यू अपॉन एम, ये क्या आ गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, अब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़े होगा तो नहीं आएगा, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है केस, लेकिन कल कराएंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेता हूं, जरूरी है।